जातीय राजपथ प्राधिकरण और परिवहन विभाग में नया निर्देशनामा के अनुसार आने वाले महीनों का 1 तारीख से देश के हर एक टोल प्लाजा में फास्टैग लागू होने के साथ सरकार इस नियम को और 5 दिन समय देने का निर्णय लिए हैं। हमारे राज्य के समस्त टोल गेट में भी नियम लागू होने जा रहे हैं। कटक जिले के मंगुली का निरगुंडी के पास जो टोल गेट प्लाजा है वहाँ बहुत से लोग इस नियम को स्वागत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से इसे सरकार का जल्दबाजी में किया गया फैसला है जो कि इस नियम को लोगों के दिमाग के अंदर सचेतना के आवश्यकता पड़ रही है। फास्टैग है इस कर जो गाड़ियों के सामने कोच में लगाया जाता है जो कि वाहनों में रेडियो फ्रिक्वेंसी का पहचान पत्र का काम करता है। टोल प्लाजा पर आते जाते समय को ना रोककर फास्टैग के जरिए गाड़ियों के लिए टोल फ्री ही पाएगा और गाड़ी चालकों को नगद नहीं देना पड़ेगा। टैग में जो नियम सीमा से बैंक के माध्यम से जितना पैसे सरकार को चाहिए बैंक के खाते से कट जाएगा। इस प्रणाली के लिए समस्त जातीयकरण बैंक को अनुमति दिया गया है, पर बैंक में स्टाफ कम होने की वजह से अधिकतर बैंक फास्टैग नहीं कर पा रही है। मु अभिषेक बेहरा कहूँ भद्रकुरु कहते स्टेशन रोड चौरमपुर मुँह कहते एक्चुअली टोल गेट अपेक्षा कम मुझे एक्चुअली फास्ट मुझे पानिकोल नहीं गली तो मो माँ को असुस्थ कारण मो फास्टैग जो नुआ एप्लाय जो फास्ट टाइम गली जो एप्लाय करापी एप्लाय करते मुझे गली जाइए मुझे पचारि कौन दरकार मत कह पेटीएम टा दरकार पेटीएम अलरेडी इनस्टल कर घर निजे इनस्टल कर इनस्टल कर सारापर सी मत ओटी मांगे ओटी मुझे देपर मत कह सर्वर स्लो मुझे अधघंटा अपेक्षा कली तापर घंटाटे भी अपेक्षा कली तापर ना से कहले तुम मंगुली टोल गेट जाते फिर मंगुली भी आसली है माँ को लेकिन फिर मंगुली भी आसली है मंगुली आसी सारापर मत एक्चुअली पचारे तुम आउ थ मत ये दि तुम फेर भी कौन जाऊँ सर्वे स्लो एमती के घंटा एम चलती सर्वर स्लो मुझे थर मुझे आसपारे कि दौड़ पार्थि एक्चुअली फेल्योर सिस्टम मैंने कौपे जदि कौना आम बैंक थ्रो एप्लाय करने ठीक अच्छे आम बैंक थ्रो एप्लाय करने चाहूँ है बैंक थ्रो एप्लाय करने जो कला से भी कौन सर्वे स्लो अच्छे आम फिर कौटी जिमु एक्चुअली आम गोटे कथा कहना कते घंटा मैंने कते घंटा आम एक्चुअली छिड़ा हबु मैंने आम कते घंटा छिड़ा हबु हाँ फास्ट टाइम पर 1.5 घंटा मुझे देली सेकेंड टाइम पर जो आसली मंगुल जो आम ये टोल गेट काटिक आम आस मो नाम ललित साहेवाल मुझे डीजीएम टोल ऑपरेशन मंगुली टोल प्लाजा सर टोल गेट पाखे फास्टैग लंबा लाइन लगता कौन सर फास्टैग काउंटर कराई आज 3 मास पूर्व मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे तरफ गोटे एडवाइजरी जारी होता कि फास्टैग यहाँ अनिवार्य कंपलसरी हो 1 दिसंबर तक से समय आमर अवेयरनेस प्रोग्राम चलती आमर लिफलेट बटा होमर फास्टैग सेलिंग काउंटर भी लगी हाँ जितेक टाइम आग को आसूची लोक क्राउड बेसी बढ़ी जा हाँ से हिसाब से लोकर लोक भी मैंने जानते कि हाँ फास्टैग न ने 1 तारिख आम को फास्टैग लेन एलाउ करे हाँ आम को जो लेन मिलो कैश लेन से जानते यदि आम फास्टैग न नवा तेल आम लंबा लाइन आम ठिया हवा हाँ कैश देवाई तो से भी लोक से सब जानिकी लोक अबे फास्टैग सेलिंग काउंटर रे मंगुली के नजदीक सिर्फ 3 बैंक का शिविर खोलकर फास्टैग किया जा रहा है। जितना सुनने में आ रहा है जो बैंक के तरफ से 3 शिविर खोला गया है उनके कार्यकलाप बहुत बुरा होने के साथ गाड़ियों के मामलों के प्रति खराब व्यवहार करने के साथ कई घंटों तक कतार में खड़े रहने का शिकायत सामने नजर आ रहा है। टोल प्लाजा के उच्च अधिकारी इसके प्रति नजर नहीं दे रहे हैं जिसके परिणाम स्वरूप अनेक संख्याओं में सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों का भीड़ कई घंटों तक खड़े रहने का नजर आ रहा है। दिसंबर 1 में जो नियम लागू होने वाला था वो 5 तारीख तक समय दिया गया है सरकारों और से मंत्रालय नियम के अनुसार आते महीने के 5 तारीख को नियम लागू होगा। कटक चौद्वार से सुनीता महापात्र सनमार्ग ओडिशा।